औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर असद नकवी, होम्योपैथिक फिजिशियन। डियर व्यूअर्स, जंजीबर अदरक से तैयार होने वाली मेडिसन होम्योपैथिक में, जो कि अपने वर्क के लिहाज से काफ़ी बेस्ट है, और इस मेडिसन का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो निज़ाम हाजम, आलात तनासल और सांस की मुख्तलिफ अलामात पर इस मेडिसन को इस्तेमाल करवाया जाता है। आज इस मेडिसन के मैं सिम्टम्स और इस मेडिसन का इस्तेमाल इस वीडियो में शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप ये समझ रहे वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। खाने का जायका काफ़ी देर तक बरकरार रहता है, बिलखसूस रोटी से मैदा में बोझ का एहसास जैसे कोई पत्थर रखा हो। खरबूजा खाने से नाखालस पानी से होने वाली तकलीफ में भी ये मेडिसिन काफ़ी मुफीद है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इनक्रीज़ करना, बढ़ जाना यानी मैदे में तजादियत का बढ़ जाना, सुबह बेदार होते ही मैदे में भारीपन का एहसास पाया जाना। इसके अलावा इसके जो अदर सिम्टम्स हैं उसमें ज़बरदस्त यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, खालीपन का एहसास होता है, मैदा से सीने तक दर्द होता है यानी पेन होता है जो खाने से और ज़्यादा हो जाता है। पेशाब की बंदिश में मफीद है, टाइफाइड के बाद पेशाब बंद हो जाए तो उसमें भी काफ़ी मफीद है। पेशाब कर चुकने के बाद कतरा कतरा पेशाब खारिज होता रहता है, गुर्दों के फेल हो जाने में भी मफीद है, लेकिन इसे मुख्तलिफ अदर और मेडिसिन के साथ इसको इस्तेमाल करवाया जाए तो गुर्दे फेल होने की सूरत में भी काफ़ी बेस्ट असर रखती है। किडनी की सोजश यानी इन्फ्लेमेशन में काफ़ी मफीद मेडिसिन है। इसके बाद सांस की तंगी दमा में मुफीद है, गले में खराश सीने में सुइयाँ चुभती हैं, ड्राई कफ यानी खुश्क खांसी और सुबह के टाइम काफ़ी बलगम खारिज होता है। इसके अलावा ये मेडिसन गंठियावी दर्दों में भी काफ़ी मुफीद साबित होती है। डियर व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था जंजीबर, जो कि अदरक से तैयार की जाती है ये मेडिसन। इस मेडिसिन के मैंने चंद सिम्टम्स आपसे बयान किए, इन अलामात पर इन सिम्टम्स पर ये मेडिसिन आप 10 10 कतरे यानी जंजीबर आपने 3x में यूज़ करनी है। जंजीबर 3x में 10 10 कतरे आधा कप पानी में खाना खाने से आधा घंटा बाद दिन में 3 बार और मौजूदा अलामात की सूरत में ये मेडिसिन आपने 3 वीक्स यानी 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी है और मेडिसिन यूज़ टाइम आपने फास्ट फूड से मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इससे फ़ायदा लेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी और डिज़ीज़ किसी और मेडी पर, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।